मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के चुनाव के दौर चलते आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। देखिए खबर ऐसे से कैमरामैन अमित के साथ साउद सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रखा है। समाजवादियों का ये मानना है कि जब तक गांव गरीब और किसान खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाएगा तब तक देश और देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता। जब ये नारा हो कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हो, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और उनको हक नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा है। इसलिए घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं। समाजवादी का घोषणा पत्र दूसरों की तरह नहीं है कि केवल वोट लेने के लिए घोषणा पत्र हो, वोट लेने के लिए कोई संकल्प जारी करें, वोट लेने के लिए कोई दृष्टि जैसा ही पत्र जारी करें। समाजवादी पार्टी का ये घोषणा पत्र उसको अमल लाने के लिए, अमल करने के लिए है। हालांकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, गोंडवाना गठबंधन पार्टी से भी कई सीटों पर सहयोग लिया है।